बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बना रही हूँ चिकन पास्ता, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने चिकन पास्ता किस तरह से बनाया है। 400 ग्राम मैंने पास्ता लिया है, 400 ग्राम मैंने चिकन ब्रीस्ट लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया उसको काट लिया है, शिमला मिर्च ली है एक कप के बराबर कटी हुई, टमाटर लिया है मैंने एक कप के बराबर कटा हुआ, और ये गाजरें ली हैं तकरीबन एक कप के बराबर, आधा कप मैंने कटे हुए आलू लिए हैं, गरम मसाला एक टेबलस्पून लिया है, और केचप लिया है मैंने एक टेबलस्पून, सोया सॉस लिया मैंने एक टेबलस्पून, चिली सॉस भी मैंने एक टेबलस्पून ही लिया है, नमक लिया है मैंने एक टेबलस्पून, और मिर्च ली है मैंने एक टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने दो टेबलस्पून, और आधा लीमू लूँगी मैं, और मैंने लिया है एक बर्तन, इसमें मैं पानी उबलने के लिए रख दिया है। पकते हुए पानी में मैंने 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं, तो इसमें मैं डाल दूँगी पास्ता, पास्ते को मैं मिक्स कर लूँगी, पानी में चम्मच से हिला लूँगी इस तरह से। पास्ता क्योंकि बहुत फीका होता है, इसलिए आप उबलते हुए पास्ते में नमक ज़रूर डालिएगा। मैं एक टेबलस्पून भर के नमक का डाल रही हूँ, और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें विनेगर, 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरके के डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये खिले खिले नजर आएंगे कलियों की तरह। अगर हो सके तो डालो, हो सके नहीं डालो। इसको उबाल लूंगी मैं 10 मिनट, 10 मिनट मैंने इसको उबाल लिया है, तो 8-10 मिनट में ये अच्छी तरह पक के तैयार हो चुके गए हैं, तो मैं इनको निकालूंगी एक छन्नी में। उसी बर्तन में मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल के, इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई प्याज, इसको मैं लाइट सा ब्राउन करूंगी हल्का सा, और इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको मैं 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करूंगी, उसमें डाल दूंगी चिकन, चिकन को मैं इतना फ्राई करना है इसका कलर तब्दील हो जाए। चिकन मेरा देखो वाइट कलर का हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप कटे हुए टमाटरों का, इसमें मैंने नमक मिर्च भी डाल दिए, मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो इसको मैंने भून लिया है, इसमें मैंने डाल दिए कटे हुए आलू, कटी हुई गाजरें और शिमला मिर्च, मिक्स कर लेती हूँ इसको, 2 से 3 मिनट इसी तरह मैं इसको फ्राई करूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी आधा लीमू का रस, आधे लीमू का रस मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और इसको मैं 3 मिनट के लिए फ्राई इसको कवर कर देती हूँ। 3 मिनट ही मैंने इसको फ्राई किया है, और 3 मिनट मैंने इनको ढक्कन दे के 3 मिनट ढाँप दिया था ताकि हल्की सी ये गल जाए, ज़्यादा नहीं है अपने इनको पकाना, बहुत ज़्यादा गल जाएगी तो इनकी शक्ल भी ना अच्छी नहीं नज़र आएगी। तो 3 मिनट मैंने इसको पका लिया था ढाँप के, और इसमें मैंने डाल दिया है अभी गरम मसाला, इसमें मैंने डाल दिया है चिली सॉस, सोया सॉस, और अभी इसमें मैं डाल दूँगी केचप, इसको मैं कर लूंगी अच्छी तरह मिक्स। तो मिक्स करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाया है, और अब इसमें मैं डाल दूंगी पास्ता। पास्ता देखो बिल्कुल ऐसे कलियों की तरह खिला खिला है, जरा भी ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहा।
ये मैंने उबलते टाइम जो चीज़ें डाली हैं ये उसी का एक माल है। तो मैंने पास्ते को अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लिया है। तो रेडी है मेरा चिकन पास्ता, इसको मैं सर्व कर लेती हूँ इस बर्तन में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा मेरा चिकन पास्ता? अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए।